गुरुवार को वार्ड नंबर 63 मिर्जापुर चौराहे पर पीने के पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क पर बैठकर महापौर के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 63 मिर्जापुर में पिछले एक महीने से हम सभी लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। महापौर का गृह क्षेत्र होने के बावजूद हम लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार महापौर को अवगत कराया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, भैया समस्या ये है कि मिर्जापुर वार्ड नंबर 63 जहाँ पे मेयर और पार्षद दोनों जिसे दोनों लोग से हम लोग लगभग जनता और जो यहाँ बैठी हुई उनसे पूछ लीजिए 500 बार कह चुके हैं पानी के लिए। पानी मेयर साहब के पास है तो वो कहते हैं कल परसों हो जाएगा, पार्षद जी के पास है तो वो कहते हैं कल परसों हो जाएगा, पानी बन नहीं रहा है। और वहाँ एक बंदा काम कर रहा है, जो पानी बना रहा है वो एक बंदा काम कर रहा है। आखिर वो एक बंदा कब तक बनाएगा? 25 दिन पानी नहीं आएगा, 25 दिन जनता प्यासी मरेगी, ये बताइए। ट्यूबवेल बाबा चैन सिंह मंदिर के पास बन के पड़ा हुआ है, वो ट्यूबवेल पीता काटने के लिए रखा गया है, पीता कटेगा तब भी वो ट्यूबवेल चालू होगा, क्योंकि वो एक ट्यूबवेल चालू हुआ था, एक दिन मात्र चालू हुआ, उसके बाद वो ट्यूबवेल बंद हो गया। आखिर वो ट्यूबवेल लगता तो ये सब जनता वापस इधर नहीं आती, उधर की पानी मिलती, जिसके कारण वो पानी का ट्यूबवेल खाली वैसे रखा है फीता काटने के लिए, फीता काटेगा तभी चालू होगा वो। अभी तक हम लोग मेयर साहब के घर के पास गए थे, मेयर साहब कह रहे हैं कि मेयर साहब का गार्ड कह रहा है अभी आएंगे, इससे पहले हम लोग दो बार गए हैं, वो भी बोले हैं कि अभी आएंगे, तब से वो आ ही रहे हैं। मोहल्ले का वार्ड का नाली पानी जाके देख लीजिए, मोहल्ले के वार्ड का नाली ऐसा पानी आ रहा है, दो लोग कुछ दिन पहले अभी दो लोग सदर में भर्ती है, जाके देख सकते हैं आप। प्रिंस निगम इंद्रावती देवी, क्या मामला है? सड़क पे क्यों बैठी हो? सड़क पे ये बैठे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, बच्चे पानी बिना मर रहे हैं, पानी बिना मर रहे हैं। हम लोग पानी के लिए आए हैं, कितने दिन से पानी? एक महीने से पानी नहीं आ रहे, नहीं एक महीना हो गया। ये मुड़ेरी चौक मिर्जापुर मुड़ेरी शौचालय में कई महीने, दो महीना से बना था, अभी तक बनता था, कौन बनावा था नहीं बनाता। हाँ हाँ मेयर साहब का मोहल्ला है, मेयर साहब हम लोग कुछ नहीं कहले हैं, ना बत्ती है ना लाइट है ना लगती हवा, कुछ नहीं कहले बेटा हमन के, ना नारी है ना पानी है ना रोड है। नाम बताओ? गीता देवी। मिर्जापुर में कुछ निवासी स्थानीय लोग कभी पानी को जैसे परेशान है, क्या समस्या है? सड़क पर भी बैठे थे आज लोग, वहाँ मेन्यू ट्यूबवेल ब्लॉक हो गया था, उससे बालू आ रहा था, तीन दिन चार दिन से सफाई चल रही है उस पर, आज काम पूरा हो जाएगा और पूर्ववत सप्लाई चालू हो जाएगी। तत्काल लोगों ने आग्रह किया था, जहाँ जहाँ आग्रह किया था, मिर्जापुर गुड़ियाना और जहाँ पंप लगा है मिर्जापुर में वहाँ और बंधे पर तीन टैंकर पानी रोज प्रतिदिन दिया जा रहा है सुविधा के लिए, और सभी वहाँ के वासियों से अनुरोध है कि तीन चार दिन से जो पानी नहीं मिला है इसके लिए हमको खेद है, और मशीनी तकनीक की वजह से हुआ है, यह तीन चार दिन में ठीक हो गया है, आज से पानी सप्लाई आपूर्ति बहाल कर दी जाए।